हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। और दोस्तों, आज हम एक टीपी लिंक का राउटर जिसका मॉडल नंबर है TLWR740N, इस राउटर को आज हम ब्रिज मोड में कॉन्फ़िगर करेंगे और जो भी कम से कम 3 स्टेप में। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो अभी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखते हुए वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। दोस्तों, कनेक्टिविटी की बात करें तो ISP की केबल राउटर के वैन पोर्ट पर जाएगी और लैन पोर्ट से अपने PC को कनेक्ट कर लीजिए और इसको लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपके राउटर का फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन पेज ओपन हो जाएगा, जो नेटवर्क पर क्लिक कीजिए। इसके बाद अपना IP एड्रेस चेंज कीजिए और सेव का बटन दबा दीजिए और आपका राउटर रिबूट हो जाएगा। और 30 सेकंड के बाद आपका रिबूट होने के बाद इसको दोबारा से आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन के लिए 192.168.3.1 IP यूज करना है, क्योंकि ये IP हमने अभी चेंज किया है। दोस्तों, लॉगिन के बाद में स्टेटस मोड में देखोगे आपका IP एड्रेस चेंज हो चुका है। अब वायरलेस सेटिंग में जाइए, आपका वायरलेस सेटिंग पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप अपना वायरलेस की SSID चेंज कीजिए, उसके बाद में अपना कंट्री कोड सेलेक्ट कीजिए। और कंट्री कोड सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको चैनल सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे मोड सेलेक्ट करना है। और मोड सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको WDS को इनेबल करके स्क्रॉल करना है, तो नीचे सर्वे का ऑप्शन आ रहा है जिसमें आपको क्लिक करना है और सर्वे का क्लिक कीजिए। यहाँ सेलेक्ट योर मेन राउटर SSID, उसके बाद एनक्रिप्शन की सेलेक्ट करके और नीचे मेन राउटर का ही पासवर्ड इसमें टाइप कर देना है और टाइप करके इसका सेव का बटन दबा देना है। दोस्तों, सेव का बटन दबाते ही ये रिबूट के लिए ऑप्शन आएगा, तो आप उस पर ओके क्लिक कर दीजिए और आपका राउटर विद इन 30 सेकंड में रिबूट हो जाएगा और वर्किंग के लिए रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।